अभी अभी दीप ने मुझे सरप्राइज दिया, मैं सोच रहा था दीप बोले थे कि इससे कुछ और जानकारी, मैं बोला अच्छा स्टॉक तो मैंने चुना, जानकारी दीप दे रहे हैं, मुझे पता नहीं था। दीप ने इंटरव्यू फिक्स किया है न्यूज न्यूज सेगमेंट में, आइए मुलाकात करते हैं लेटेंट व्यू एनालिटिक्स से। दो हजार छह में हुई शुरुआत, देश की दिग्गज डेटा एनालिटिक्स कंपनी है, भारत समेत अमेरिका, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड, सिंगापुर में काम काज करती है कंपनी। 30 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनियों के साथ इनको काम काज करने का अनुभव है। कंपनी के सीएफओ राजन बाला वेंकटेशन हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने हिंदू कॉलेज नई दिल्ली से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और फाइनेंस और अकाउंटिंग में 15 सालों का अनुभव है। राजन सर, मैं हिंदी में सवाल पूछ रहा हूँ, आप ना समझ पाए तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा और आप हिंदी जैसा मिक्स आराम से कंफर्टेबली बताइएगा, क्योंकि है ना मैं है ना सर थोड़े रैपिड फायर सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, फटाफट वाले, है ना। बोलिए सर। हाँ अच्छा सर, आपने कंपनी खरीदी आज, राइट, कितने पैसे दिए? देखिए हमने 70% खरीदा है इस कंपनी में, $39 million के लिए। ओके, तो यानी कि करीबन 325 करोड़ रुपए, राइट, ठीक है। Correct. सर अब ये बताइए कंपनी क्या करती है जिसे आपने किया? सो जो कंपनी करती है, तो काम जो करती है एक्सपेक्टेशन करते हैं जो कंज्यूमर कंपनीज हैं, जैसे एफएमसीजी कंपनीज जो हो गए उनके लिए दे वर्क इन अ स्पेस कॉल्ड रेवेन्यू ग्रोथ मैनेजमेंट, जो कि इट इज डायरेक्टली लिंक टू ग्रोइंग रेवेन्यूज, राइट। तो एनालिटिक्स यूज करके आप कैसे रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हैं, प्राइसिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, आप अपना मिक्स जो है, असॉर्टमेंट जो है, कैसे उसको वेरी कर सकते हैं, राइट, अपनी पैकेजिंग या पैकेट साइजेस को कैसे वेरी करके, सो ऐसे कोई भी टूल्स लेके आप कैसे रेवेन्यू को या टॉप लाइन को ग्रो कर सकते हैं। तो ये उसका वो कारोबार करता है कि एनालिटिक्स करके हाउ सीपीजी कंपनीज कैन ग्रो देयर टॉप लाइन। ओके, सो दैट वो इन चीज इस कंपनी की स्पेशलिटी है। अपार्ट फ्रॉम दिस इनके पास एक जेनएआई बेस्ड प्रोडक्ट भी है, जो पिछले साल में इन्होंने ऑलमोस्ट 5 कंपनीज को बेची है, जो 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 एक आज की डेट पे आप इनका टोटल कारोबार देखेंगे उसका 5% ही है, बट ये अगेन बहुत ही बड़ा हाईलाइट है इस कंपनी का, जो ये प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी ये लाइसेंस बेसिस पे बेच रहे हैं। तो ये दो चीजें हैं इनकी जो मेन बिजनेस आप लाइन देखेंगे। राजेंद्र सर आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, जेन एआई वाला बेसिक प्रोडक्ट इन्होंने बनाया, सो ये क्या सर्विसेज दे रहे हैं या प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं? क्योंकि एक बार आपने प्रोडक्ट बना दिया और प्रोडक्ट बेचेंगे तो हर बार प्रॉफिट आता है, राइट, सर्विसेज में तो आपको हर बार, तो क्या क्या एग्जैक्टली बताओ मुझे जरा। तो 90% जो कारोबार है उनका आज की डेट पे सर्विसेज पे ही है। Okay. तो 5-8% का जो रेवेन्यू है आज के डेट पे वो ये प्रोडक्ट से आ रहा है, बट आगे जाके हमारा ये एम्फेसिस रहेगा कि प्रोडक्ट का जो बिजनेस है वो डेफिनेटली ग्रो करेंगे, राइट। ओके, प्राइमरी जो काम रहेगा फिर भी फॉर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स सर्विसेज साइड से रहेगा। परफेक्ट। अच्छा ये बताइए, 325 करोड़ है आपके पास में, कंपनी के पास कैश कितना है अभी? कंपनी के पास 1000 करोड़ प्लस है राइट नाउ, तो ये पूरा का पूरा इंटरनल कैश से ही हम लोग पे करेंगे। तो सर 2-3 और खरीद सकते हैं आप तो कंपनी, अभी बहुत सारे पैसे हैं आपके पास। तो प्लान यही है सर, आगे जाके भी डेफिनेटली अगर ये जब हम अच्छे से इंटीग्रेट करेंगे, प्लान यही है कि आगे जाके और ऐसे कंपनीज जो हमारे स्ट्रेटेजिकली हमारे जो गोल्स हैं, राइट, हमारे गोल्स ये हैं कि हम सीपीजी, रिटेल, बीएफएसआई सेक्टर्स पे फोकस करें। दूसरी एक चीज है, हम लोग जो हैं, हमारे जो मेन काम जो रहता है, हम लोग बिजनेस ओनर्स को बेचते हैं, राइट, तो ये कंपनी भी जो है ये चीफ कमर्शियल ऑफिसर या चीफ रेवेन्यू ऑफिसर को सर्विसेज बेचते हैं, तो एंड ऑल्सो फॉर्च्यून 500 कंपनीज पे फोकस करते हैं, राइट, तो उस सेंस में पूरा स्ट्रेटेजिक फिटमेंट है। कल्चरली ऑल्सो वी बिलीव जो कंपनी है काफी हमारे ethos और ethics के दे आर इन लाइन विद वॉट वी बिलीव इन। कंपनीज आएंगी तो डेफिनेटली करेंगे सर आगे acquisitions। तो ये कंपनी का इंडिया की है कि बाहर की है? तो कंपनी जो है बेस्ड इन इंडिया है, जस्ट हमारे जैसे ही, इनके जो प्रेडोमिनेंटली आप देखेंगे जो इनका जो डिलीवरी सेंटर है वो इंडिया में ही है, गुड़गांव में एक्चुअली, बट इनके जो क्लाइंट्स हैं 55% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम लैटिन अमेरिका टुडे, सो ये हमारा एक न्यू मार्केट ओपन अप होगा हमारे लिए जो आज के डेट में हम लोग प्रेजेंट नहीं है। 30% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम यूएस, विच इज अगेन अ फोकस मार्केट फॉर अस। 15% का जो रेवेन्यू है वो आता है एशिया पैक और यूरोप से। ओके, अभी टोटल रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है कंपनी का? सो लास्ट ईयर तकरीबन टोटल रेवेन्यू अराउंड $12.8 million का रेवेन्यू है कंपनी का। ओके, और प्रॉफिट? प्रॉफिट लगभग आप रख लीजिए अराउंड 28-30% एबिटा करती है आज के डेट पे हम। 28-30% एबिटा, सर आपका तो 22% ही है।
तो सर डेफिनेटली अभी कंपनी का स्केल भी आप देखेंगे तो छोटा है कंपनी, राइट? तो आई मीन एज कंपनी ग्रोज अप इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगेंगे कंपनी में, तो बट हाँ उनकी उनके स्केल पे करंटली विच इज वाई आप अगर आप हमारा प्रेस रिलीज देखेंगे हाँ, हमने ये बोला कि ये दिस विल बी एन एबिटडा क्रिएटिव एक्विजिशन फॉर अस। तो सर ये समझाइए कि जो 70% तो आपने ले लिया, बाकी 30% किसके पास है, वो भी लेंगे कि आप आगे? वो करंट फाउंडर्स और मैनेजमेंट के पास ही है, हाँ आगे जाके वो भी हमारा 2 साल के अंदर प्लान है कि अगले अगले साल 1 साल के बाद 10% अक्वायर करेंगे तो 80% होल्ड करेंगे बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, उसके अगले साल 20% अक्वायर करेंगे। अच्छा सर एक चीज और बताइए, आपकी कंपनी ट्रेड कर रही है अभी लगभग लगभग 65 के पी मल्टीपल पर, और जो मेरे पास डेटा जो अगर मैंने सही निकाला था, आपने एक्विजिशन किया 20 के पी मल्टीपल, सही है सर ये? करेक्ट। कैसे सर, ये तो कमाल है, मतलब कहां से ढूंढ के राजन सर, कुछ तो समझाइए, इतना तगड़ा इतना दमदार एक्विजिशन कैसे किया है? तो सर ऑब्वियसली हम उनको टाइम भी लगा है, आप देखेंगे तो हम ऑलमोस्ट लास्ट 6-8 क्वार्टर से बोल रहे हैं हम लोग कि हम लोग एक्विजिशंस करेंगे, राइट राइट। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी आल्सो विल 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 डू इन इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनीज वेयर वी बिलीव देयर इज वैल्यू टू बी एक्सट्रैक्टेड, राइट? तो वही रीजन है। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। देखिए हम खुद इंतजार करते थे, कई बार आपसे जब मुलाकात होती थी हम बार बार पूछते थे कब करेंगे कब करेंगे, फाइनली ये एक्विजिशन आपकी तरफ से आया। और तो ये तो सीधी सी बात है, पहले क्वार्टर से ही आपके लिए प्रॉफिट और ईपीएस बढ़ाने वाला है, राइट? हाँ जी, यही यही है, दैट इज द गाइडेंस, यस। थोड़ा थोड़ा आपके लिए मार्जिन भी बढ़ने वाले हैं, बढ़िया है। राजेंद्र सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया तुरंत ही, आज ही आपने एक्विजिशन के, हमने कहा कि रिक्वेस्ट करते हैं अगर आप थोड़ा समय निकाल पाए बात कर पाए तो, थैंक यू सो मच सर। कोई और, अच्छा कोई पूछना मैं भूल तो नहीं गया, कोई कोई और कोई बात इससे बताना चाहें आप तो? नहीं सर, नहीं सर, आपने सारे सही सवाल पूछ लिए मेरे से। अच्छा सर एक और चीज, आप इतनी तो बढ़िया हिंदी बोलते हैं, फर्स्ट क्लास, शानदार, इतनी बढ़िया बोले सर, आपको बिल्कुल हिचकने की जरूरत नहीं है, इससे परफेक्ट एकदम, मैं बता रहा हूँ। थैंक यू सर, आप स्टार्टिंग से हमारे सबसे बड़े सपोर्टर रहे हो हमारे आईपीओ के टाइम से, सो लुक फॉरवर्ड टू योर कंटिन्यूड सपोर्ट। नहीं सर, हम आपके काम, आपको, आपकी कंपनी को पसंद करते हैं, और मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ कुछ ही कंपनियों के बारे में मैं ये चीज खुलेआम बोलता हूँ कि हिंदुस्तान को आप जैसे कई सारे एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है, yes. जो बहुत बढ़िया काम देश के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वेल्थ बनना ये अपनी जगह है, वो तो सब जगह है, लेकिन कुछ कुछ फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे हमारा नाम होना चाहिए, exactly. जहाँ देश का नाम हो कि हाँ ये इंडिया की कंपनी है जो ये काम करती है, वो आप काम कर रहे हैं, इसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप इसी तरह से अच्छी ग्रोथ करें और आगे बढ़े सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे लेटेंट व्यू के टॉप मैनेजमेंट से हमारी मुलाकात, मजा आ गया, क्या ऐसी जनरेशन से एंटरप्रेन्योर से बात करके अपना जोश बढ़ जाता है, ये है कमाल। और स्टॉक भी देखिए जबरदस्त, 11% ऊपर है यदि बता रहे हैं, जरा एक बार चार्ट्स पर चर्चा की जाए, देखिए कोई आप में से किसी ने चार्ट्स खोल के पहले से रखे हो ये सोच के कि अनिल जी सवाल तो पूछेंगी, अगर पहले से प्रीएम्प्ट किया। ओ सुमित जी, माय गॉड, वाह सुमित, दिल खुश कर दिया, बताएं सर। जी अनिल जी बिल्कुल, अनिल जी देखिए स्टॉक में जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक यहां से अच्छा मूव और दिखाएगा, जिसमें 530-535 तक के लेवल ऊपर तक देखने को मिलेंगे, ये शॉर्ट टर्म के टारगेट है। जब एक बार ये 535 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होगा तो 600 रुपए तक के लेवल लेटेंट के अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, तो पोजीशन होल्ड करें, मूव का अभी शुरुआत है, यहाँ से अच्छा मूव ऊपर की तरफ का देखने को बनेगा। ओके okay, तो ये आपके लिए लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, जहां पर रखें नजर 515 के लेवल पर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। सुमित जी के लिए एक बिगुल भी है, सुमित का सुपर हिट।